नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गुजरात अहमदाबाद के अंदर रानी सिपरी की मस्जिद में और यहां पर बनी हुई एक बहुत सुंदर जो मकबरा है उसके अंदर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर जो पुरानी इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये 16वीं शताब्दी के 1514 के समय में यहां की जो रानी सिपरी थी उनके द्वारा इस पूरी इमारत को बनाया गया था। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि जो रानी सिपरी थी उनको सबरई भी कहते थे और वो विडो थी सुल्तान महमूद शाह प्रथम की। और ये जो पूरा आपको हिस्सा बना हुआ दिखाई दे रहा है ये मुजफ्फर शाह द्वितीय के समय में बना हुआ है, जिनका शासन 1511 में शुरू हुआ था और 1526 तक उनका शासनकाल रहा था। तो आप यहां पर इतनी सुंदर आर्ट को देख सकते हैं, सामने की तरफ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई है, ऊंचे-ऊंचे यहां पर कॉर्नर में मीनारें देखने को मिलेंगी, पत्थरों पे बारीक काम जो यहां पर महमूद बेगड़ा के समय से और यहां के अहमद शाह प्रथम के समय से चलता आ रहा है, उस काम को आप यहां पर बहुत बखूबी तौर पर देख सकते हैं। तो रानी सिपरी की इस मस्जिद में पत्थरों पे किया गया बारीक काम को जब नजदीक से आप देखेंगे ना तो आप सच में ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कारीगरों ने कितना महीन काम शिद्दत के साथ में किया है। और दोस्तों एक छोटा सा लुक हम यहाँ पे अंदर मस्जिद का भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए इस प्रकार के जो ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट संगमरमर और सैंडस्टोन के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, काफी सारे पिलर यहाँ पर इस्तेमाल में लाए गए हैं और इस दिशा की तरफ में मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, जिसे बोलते हैं काबा की तरफ मुंह करके या पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करके। तो ये पूरा हिस्सा है नमाज पढ़ने के लिए, इसे बोलते हैं रानी सिपरी की मस्जिद। और रानी सिपरी का जो मकबरा है वो दोस्तों आपको बिल्कुल बिहाइंड में देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ जालीदार काम आप यहां देख सकते हैं कि कितना बारीक काम किया गया है। हमने ना ऐसा नोटिस किया है कि अहमदाबाद की जितनी भी इमारतें ना वो भारत के अलग अलग राज्यों की इमारतों से बिल्कुल अलग है। यहां पर काम कर रहे 162 वर्षों के अंदर गुजरात के सुल्तानों के समय में जितने भी कारीगर थे ना उनकी खासियत ये थी कि एक तो पत्थर के ऊपर बारीक अलंकरण यहां देखने को मिलेगा जो आपको इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर से रूबरू करवाएगा। सेकेंडरी यहां पे जो जालियों का बारीक काम आप देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक जाली पे कुछ अलग डिजाइन यहां पर कारीगर ने करने की कोशिश करी है। और पास की तरफ में जो बाकी कब्रें यहां बनी है ये इन्हीं के घर परिवार के मुख्य लोगों की हुआ करती थी, जो आज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये बैक साइड वाला पोर्शन है, स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है और ऊपर की तरफ आप इसके बड़े डोम को भी देख पा रहे हैं। तो रानी सिपरी जो कि रानी सबरई के नाम से भी जानी जाती थी। और दोस्तों यहाँ पर जो गुजरात के शासक है इनका शासनकाल 1411 से लेकर 1573 तक चला था, और जिस समय यहाँ पर अकबर की सेना ने अपना कब्जा कर लिया, मुगल शासकों का सत्ता आई, तो उसके बाद भी यहाँ पर कुछ इमारतें बनी नहीं और कुछ जो इमारतें टूटी दिखाई देंगी दोस्तों आपको, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मराठों के बीच में और बाकी जो यहाँ के मुगल शासक थे उनके समय में जो लड़ाइयाँ हुई ना उन लड़ाइयों का जिक्र की वजह से यहाँ पे इमारतें टूटी हुई हैं। बाकी यहाँ पर आपका ध्यान केंद्रित करेगी यहाँ पे बनी हुई ये इमारतें और इनका बारीक जालीदार काम। और जब आप इसको देखेंगे इस दिशा से तो यहाँ से आप इसका एक बड़ा व्यू कैप्चर कर सकते हैं। ये देखिए भाई, साथ में इस वाले हिस्से पे आप देखेंगे दोस्तों तो वजू करने के लिए पानी का यहाँ पे छोटा सा एक कुंड बनाया गया है। और ये मेन आपका जो रास्ता है, पीछे की तरफ हमने एक दरवाज़ा भी यहाँ पे देखा था, वो दरवाज़ा काफ़ी बिजी दरवाज़ा है, यहाँ पे काफ़ी मतलब ट्रैफिक लगा रहता है अहमदाबाद के इस वाले हिस्से में। और 1630 के वक्त में एक अंग्रेजी लेखक ने ये कहा था कि गुजरात का जो अहमदाबाद है ना वो लंदन के जैसा है, उसको बोस्टन का एक टाइटल दिया था, तो इसको हम अपन भारत के पूर्व का बोस्टन भी बोलते हैं। और सेम एज ये अंदर जाने का रास्ता है भाई, अभी तो खैर बंद कर दिया है और हो सकता है इसके अंदर जो कब्र होगी वो रानी सिपरी की होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब इस पूरे अहमदाबाद को घूमेंगे ना तो आपको कुल मिला के 12 दरवाजे दिखेंगे, और उन 12 दरवाज़ों की खासियत क्या होगी कि हर दरवाजे के पास में कोई ना कोई पुरानी इमारत ज़रूर देखने को मिलेगी। जब आप रायपुर दरवाजे से आगे की तरफ आएंगे तो उस दरवाजे के पास में आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सो दोस्तों वैसे तो ऐसा सुनने में भी आता है कि यहाँ पे जो कारीगर थे ना वो बेसिक तौर पर उस समय हिंदू कारीगर थे, कुछ मुस्लिम कारीगर थे, तो उनको जैसे शैली आती ना उन्होंने उसी शैली में इन पत्थरों को घड़ा है। तो ये सारा काम यहाँ के सुल्तानों के मद्देनज़र ही हुआ है, और पहले यहाँ का जो पुराना नाम था वो कर्णावती था। तो इस प्रकार से अहमदाबाद को राजधानी पाटन से बदलकर अहमद शाह प्रथम ने बनाया था।